हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की EKYC की लिस्ट देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जा कर के अपनी जो EKYC की लिस्ट है वो देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यह लिंक मैंने ओपन कर रखी है, PM किसान सम्मान निधि। जैसे हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अब सिंपल सा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का, तो मैंने इस प्रकार से क्लिक किया है विलेज डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे सामने विलेज डैशबोर्ड का, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर आप इस प्रकार से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैं मध्य प्रदेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप अपना ज़िला सिलेक्ट कीजिएगा, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हो। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं अपना खरगोन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप अपनी तहसील सिलेक्ट कीजिएगा, आप जहाँ पे भी रहने वाले हो अपनी तहसील सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर गांव शो होता है, आप जिस भी गांव के रहने वाले हो आप यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत या फिर आप अपना जो गांव है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर मोहिदा गांव का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं अपना गाँव सिलेक्ट करूँगा। आप शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक शो का ऑप्शन आता है और आप सिंपल सा इस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मल रजिस्टर यहाँ पर हुए हैं 237, रिसीव ऑल पेमेंट और 183 का जो पेमेंट रिसीव हो चुका है, रिसीव पेटीएल पेमेंट्स जो 20 का हो चुका है और रिसीव नो पेमेंट यहाँ पर 33 का हुआ है। आधार कार्ड स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेप्ट हुआ है 230 का हुआ है, रिजेक्ट 0, इनवैलिड 0 और पेंडिंग में भी 0 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल रजिस्टर रिसीव हुए हैं 17, रिजेक्ट 7 हो चुके हैं, एक्सेप्ट 9 हुए और पेंडिंग में यहाँ पर 9 है। आप इस प्रकार से अपना जो EKYC की लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट कितने हुए, 9 एक्सेप्ट हुए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस 9 का जो एक्सेप्ट हो चुका है, रिजेक्ट का आप देखेंगे और टोटल यहाँ पर 17 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ओके, यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो टोटल किसान है 237 किसान है, जो यहाँ पर EKYC के लिए 183 का जो फॉर्म है वो रिसीव हुआ है, यहाँ पर रिसीव पार्टियल पेमेंट का ऑप्शन होता है तो यहाँ पर 20 का हुआ, रिसीव नो पेमेंट यहाँ पर 33 का हुआ। आधार कार्ड स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पर 230 का आधार स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट 0 हुए, इनवैलिड 0 है और पेंडिंग में भी 0 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप दोबारा से देखेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं यहाँ पर 17 के और रिजेक्ट 7 हुए, एक्सेप्ट 9 हुए, पेंडिंग में 1 है। इस प्रकार से आप अपना जो EKYC है वो स्टेटस अपना इस प्रकार से चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक पंचायत का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पर पीयूष वाइज डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आता है तो यहाँ पर भी यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड बता रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपनी जो डिटेल से वो देख सकते हैं। No.
ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।